मार्च पर हर चुनावी सभा में तीन महीने बाद सरकार गिराने का संकेत दे रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये उनकी भौखलाहट है। 15 साल बाद उनकी सरकार गिरी है तो वो इस बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनको उनकी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे कि वो इतनी भौखलाहट में आ गए हैं कि हर जगह ये सपना वो देखते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जनता ने पूरा आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया है, कमलनाथ जी की सरकार को दिया है, और निश्चित तौर पे अगले 5 साल सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की रही। देखिए, भोपाल में जो पूरा कैंपेन कांग्रेस का था, दिग्विजय सिंह जी का था, वो सकारात्मक प्रचार था। हमने अगर बात की भोपाल में तो सिर्फ बात की थी विकास के बारे में। भोपाल के शहर के लिए हमने दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था ताकि वहाँ पर अच्छा विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले, अच्छे वहाँ पे सड़कें बने, सूरज का अच्छा काम हो, वाटर का सप्लाई हर घर में, हर मोहल्ले में पहुँचे। लेकिन वहीं पर जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विकास के बारे में एक शब्द का उल्लेख नहीं किया। और वहीं जो मैंने अभी कहा था भाषण में भी कि उल्टा एक शहीद पुलिस अफसर जो इस देश की सेवा करते समय शहीद हुए थे, उन पर वो कहती हैं कि उनने श्राप दिया इसलिए वो शहीद हुए। कितना बड़ा अपमान हुआ है शहीदों का। कमलनाथ सरकार का रिमोट कंट्रोल दिग्विजय सिंह जी का नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकसभा चुनाव के बाद एक ही शेर है मध्य प्रदेश में, वो है कमलनाथ जी। पूरा कंट्रोल उनके हाथ में है।